हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं घर के सुख शांति के लिए कुछ उपाय बताऊंगा मैं, जिसे आप करेंगे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। करना जो है वो बहुत आसान है, पर करना तो पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो ही आपको सुख शांति मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। उसके लिए पवित्र होना जरूरी होता है। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि आपने सुबह में उठा, नहा धोकर, फर्स्ट क्लास होकर आप पूजा पाठ करके आप अपने अपने काम पे चले जाते हो। जब शाम होता है, रात्रि के समय में कुछ होता नहीं है। पूजा पाठ जो हमारे ब्राह्मण भाई लोग हैं वो करते हैं, और जहां तक मैंने अभी रीड किया है कि आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं रहने का कारण क्या है। आपको जब आपके घर के अंदर आपको सुख शांति नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो करना क्या है? आप एक पर्टिकुलर एक रूल्स बना लो, अपने लाइफ के अंदर एक रूल्स बना लो। आप नहीं कर सकते हो, आपके घर के आपकी पत्नी कर सकती है, या आपकी मम्मी है वो कर सकती है, या आप कर सकते हो। वो करना क्या है, एक छोटा सा उपाय है, उस उपाय को मैं बता देता हूं। जब भी आप पूजा करें, पूजा करने के टाइम पे गौमूत्र और गंगा जल एक कटोरी में लेके रखें, उसे हमेशा पूजा के स्थान पे रखें उसे, और इस तरीके का एक फूल ले लें। इस तरीके का एक फूल ले लें आप। पूजा पाठ हो गया आपका, उसके बाद गंगा जल में इसे डुबाना है। जितने कमरे हैं आपके, उस कमरों के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते छिड़कना है, छिड़क देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, वातावरण एकदम शांत हो जाता है, परमात्मा का वास होता है आपके घर के अंदर, और आपको सुकून महसूस होगा। सेकंड थिंग, बात देशी कपूर तो आपने सुना ही होगा ना, देशी कपूर। आजकल बनावटी कपूर बहुत आते हैं। शाम के टाइम पे जब दिया बत्ती करते हैं आप अपने घर के अंदर, तो इस तरीके का देशी कपूर होता है। ये देख लीजिए आप, ये जो देख रहे हैं ना, इस तरीके का देशी कपूर होता है। इस देशी कपूर को एक ही टुकड़ा लीजिए, अपने प्लेट में रखिए और उसे जला देना है। लेकिन जलाने से पहले क्या करना है, ये जो मेरी तीन शक्तियां हैं वो जलाने से पहले ऐसे हाथ में लेना है और आपको मंत्र पढ़ना है, ओम दुर्गाय नमः सात बार, ओम हनुमते नमः सात बार, ओम भैरवाय नमः सात बार। उसके बाद इस कपूर को आपको जला देना है। कपूर को जलाकर जब घर के हर एक कमरों में आप उसे दिखाएंगे आप, और मंत्र वही होगा जो सुबह में आपने किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वही मंत्र शाम में होगा। आप अपने घर के कोनों में दिखाएंगे, घर के हर एक जगह पे दिखाएंगे उसे, आप रिटर्न आके मंदिर पे रख दें उसे। इससे क्या होगा, आप दिन में आप बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर जाते हैं, नौकरी के सिलसिले में आप बाहर जाते हैं, जब वहां से जब आप रिटर्न होते हैं तो पता नहीं कितनी ऐसी बुरी हवाएं होती है जो आपको जगड़ लेता है, पकड़ लेता है। अब उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ गए घर पे, हाथ पैर धो लिया या तो स्नान कर लिया, फिर खाना खाया, सो गया, तो उससे क्या होता, बुरी आत्माओं का जो साया होगा आपके शरीर पर ही बना रहेगा, तो आपको घर में टेंशन देगा, बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देगा, तो आप परेशान हो जाते हो। फिर बाद में क्या करते हैं आप लोग, बाबाओं के पीछे भागते हैं, यूट्यूब पे ढूंढेंगे बाबा कौन सा है, और बाबा के पास आप जाके अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पंडित होता है ना, पंडित वो कितना भी बड़ा कमीना होगा लेकिन वो अपने हद में रह के काम करेगा। जो अघोरी टाइप की जो होते हैं ना तांत्रिक, इनके चंगुल में फंस गए बेटा तो जिंदगी नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए मैं आप सबको उपाय दे रहा हूं ताकि आप कर लें और फ्री हो जाए। जब आप शाम के टाइम पे घर पे आते हैं, बुरी आत्माओं ने कैप्चर कर लिया है, आपको टेंशन दे रहा है, सरदर्द दे रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है शाम के वक्त जब आप हाथ पैर धो लेते हैं या नहाकर जब आप घर के अंदर जब कपूर जलाते हैं, ये कपूर जब अपने हाथ में लेते हैं, जैसे कि ये कपूर है, आप अपने हाथ में लेते हैं, जब 21 बार मंत्र पढ़ते हैं, ओम दुर्गाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम भैरवाय नमः, जब ये 21 बार उच्चारण करके जब प्लेट में रख के जला देते हैं,
तो दुर्गा का नाम लेते ही वो बुरी आत्मा प्लान कर लेता है, भाग लेता है वो। उसके बाद वो गलती से बाहर नहीं भागा तो घर के अंदर भागेगा, तो घर के अंदर अगर आपने कपूर नहीं जलाया तो भैया क्या होगा, घर के अंदर वाश कर जाएगा। हर एक कोनों में जब कपूर जलाकर दिखाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, तो खिड़की खुला रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा, उस रास्ते से वो भाग लेगा। क्यों? उसे पता है कि जहां भगवान का वास होता है वहां बुरी आत्माओं का वास नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा जो तुटके बताता हूं उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है, जिसे आप करते हैं आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जो ये टोटका मैंने आप सबको बताया है, इस वीडियो को आप रीड कर लें प्रॉपर तरीके से। आपके घर में फैमिली है तो फैमिली कर सकती है, आप स्वयं कर सकते हैं, या तो आपकी मम्मी है तो वो कर सकती है। इससे घर में सुख शांति आएगी, घर में खुशहाली आएगी, बरकत होगा इस टोटके के माध्यम से। और ये आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव।